एक्चुअली ऐसे है, आज ऐसा ट्रेंड गया था तो आज हमारे साथ जो हमारे जो लास्ट जो मीटिंग हुआ था वह टीम विटनेस में सब गया था। तायन स्टूडेंट यूनियन से कोई रिप्रेजेंट किया था और तायन यूथ ऑर्गेनाइजेशन से था, और परमार आचू प्रेसिडेंट तायन स्टूडेंट यूनियन का परमार प्रेसिडेंट भी साथ में थे, और एवरेस्टर तागेत सोरेन था, क्योंकि उनको हमने इसलिए ले गया था कि लास्ट मीटिंग में उन लोग भी विटनेस था, इसलिए लेके गया था। तो वहाँ पे गया है तो सेक्रेटरी में वो कंसर्न मिनिस्टर जो जो कंसर्न मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर को नहीं मिला, तो वो आउट ऑफ स्टेशन में है बोला है। इनका ओएसडी को भी मिलने के लिए कोशिश किया, इनका ओएसडी भी आउट ऑफ स्टेशन में है बोला है। फिर हमने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स उसमें गया तो जाके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सर को मिला है, तो इसका कॉन्फ्रेंस हॉल में जो हमारा मीटिंग भी हुआ है, तो मीटिंग में वही अपडेट। तो अभी हम क्या बोलेगा, सेम वही जो हमारा रेजुलेशन जो हुआ था, रिजॉल्व हुआ था, उसमें हमारा थ्री डिमांड्स था, तो थ्री डिमांड्स के अंदर में हमारा 14 2 सब क्लॉजेस था। उन 14 सब क्लॉज के अंदर में दो अप्रूव हुआ है, दो अप्रूव मीन्स एक तो तागित सरन को टीम लीडर लीडर के लिए जो कमिंग सर्च ऑपरेशन के लिए जो टीम लीडर में जो अप्रूव किया वो एक है, और दूसरा वो हमारा फैमिली री एम्बर्समेंट जो ड्यूरिंग लास्ट सर्च ऑपरेशन का इसका री एम्बर्समेंट जो अप्रूव हो गया, बोलो उतना सिर्फ अपडेट मिला है, इनका कॉपी मिला है, वो सबका कॉपी मिला है। लेकिन इसमें तागित सोरेन का बोलने से तागित सोरेन को ठीक है सर्च ऑपरेशन के लिए अप्रूव कर दिया, अच्छा बात है, लेकिन तागित सोरेन को सबसे पहले जाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए। हाँ, इसका जितना सर्च ऑपरेशन का रिक्वायर्ड इक्विपमेंट चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 वहाँ पे जाने के लिए रास्ता चाहिए, और नंबर 3 तागित सोरेन को टीम चाहिए जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो सरकार ला देना था, और इस 14 सब क्लॉज के अंडर में है ला देना था, तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट ला देना था, इनके लिए सबसे पहले रास्ता चाहिए। जो वही हमको वही अपडेट करने गया था कि फिर सेक्रेटरी सर बोला है तो मंडे तक ये कमिंग मंडे तक तो ये आ जाएगा, मंत्री साहब आ जाएगी तो उसको मिल के उसमें हम लोग पैनल डिसीशन देंगे बोल के उतना में बात रखा है। इसलिए हमने आप लोग का आज प्रेस क्लब में एक्चुअली आके आप लोग को सिर्फ नहीं है, सारा अरुणाचल का जनता को जो तपीमरा का पैंस है, तो इस इशू में तपीमरा पर माउंट एवरेस्ट तरह है, इसके लिए सब सारा अरुणाचल अपडेट जानना चाहता है, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, तो नेक्स्ट सर्च ऑपरेशन के लिए कोई कोई हमको बार बार भी पूछ रहा है कि और बार टेलीफोन में भी पूछ रहा है कि कोई ज्वाइन करना भी चाह रहा है, तो इन लोग को हम आज आप लोग मीडिया के माध्यम से बताना था, लेकिन चलो ठीक है आप लोग हमको यहाँ पूछ रहा है तो मिलके पूछ रहा है तो अच्छा बात है, तो हम तो आप लोग वॉलंटियरली मदद कर रहा है तो हम आप लोग के माध्यम से बताना चाहता है, हमको नेक्स्ट मंडे तक मिलने के लिए और रुकने के लिए कहा है, वही आप देता है। नेक्स्ट सर्च ऑपरेशन के लिए जैसे आप सबको भी पता है आज का डेट में मीडिया तो सबसे बेटर जानता है क्योंकि हर एक चीज़ को, नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए अभी ऐसा है कि अभी समय नहीं, समय खत्म हो गया, आप सबको भी पता है, सब डिपार्टमेंट को भी पता है, हम ये बार के लिए बात बार बार ब्रीफ कर चुका है कि ओएसडी सर का साथ में मंत्री का और सेक्रेटरी सर का साथ और हमने डायरेक्टर सर का साथ भी ब्रीफ कर चुका है, ये बात के लिए डिटेल्स ब्रीफ कर चुका है, क्यों बोलने से नेक्स्ट ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन के लिए अभी सीजन आ गया तो हमको लगभग अप्रैल महीना बचा है, अप्रैल महीना का लास्ट में हमको निकलना है, सब कुछ है, एक्टिविटी करना है, फिर अभी से हमको टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना है, जो टेंटेटिव प्रोग्राम बनाने के लिए उसी समय में हमको एक मीटिंग होना जरूरी है, और जो एक जो अच्छा से सारा और जितना जितना इस कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा और कौन कौन से इंसान इन्वॉल्व हो एक्सपर्ट इन्वॉल्व होगा और क्या क्या इक्विपमेंट जरूरी है, इक्विपमेंट जरूरी होगा, इसके लिए हमको एक रिव्यू मीटिंग बिताना जरूरी था, वो मीटिंग जितना जल्दी हो सके उतना ठीक होगा, क्यों बोलने से वो मीटिंग बिता के हम लोग रिक्वायर्ड जितना ये इक्विपमेंट कलेक्शन करते करते हमारा अप्रैल महीना पूरा बीत जाएगा, तो इसलिए हम गवर्नमेंट को भी आज भी रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ एक जल्दी एक मीटिंग बिताइए, अगर होना है ना नहीं होना है उसी समय हमको पता चल जाएगा कि एक फिर से मीटिंग बैठ जाए, जो आगे का जितना विटनेस लोग है उनको भी बुलाइए सरकार का तरफ से, हमें भी बुलाइए,
और आपका तरफ से जो अपॉइंटमेंट किया है, अभी अप्रूव किया है, जो एक्सपर्ट तागेत सोरेंग, एवरेस्टर तागेत सोरेंग को, इनको भी बिताइए, बिता के अभी हम लोग आगे के लिए क्या करना है, एक्शन प्लान करना है। अगर वही एक्शन प्लान के लिए आप अगर पान रेडी किया है तो अच्छा बात है, अगर नहीं किया है तो आप यस या नो हमको ये अपडेट देना है। अगर गवर्नमेंट कर पाएगा तो कर पाएगा बोल के हमको बताना है समय पर रहते ही, फिर अगर नहीं कर पाएगा भी तो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा बोल के हमको क्लियरली बताना है, कि तो हम अपना हिसाब से मैनेजमेंट कर सके। तो आप सबको पता है हमारा हिसाब से तो हम कुछ मैनेजमेंट करने का कोई आइडिया ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, आप सबको पता है। अगर मिडिल क्लास का नहीं होता, हम हाई क्लास का होता, हम गवर्नमेंट को भी अप्रोच नहीं करता, हम खुद अपना परिवार का ओर से अपना ऑन एक्सपेंडिचर में जाके एक्सपर्ट हायर करके हम खुद जाना था। लेकिन ये मेरा बस हमारे बात में, परिवार का बस का बात नहीं है, इसलिए हमने गवर्नमेंट को इतना गिर गिरा के गवर्नमेंट के सामने रोना पड़ रहा है। और दूसरा बात, ये गवर्नमेंट का ऑन ड्यूटी में भेजा है, इसलिए गवर्नमेंट का जिम्मेदारी भी बनता है, गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को हम इसलिए ये रिक्वेस्ट किया था कि मंडे को हम गवर्नमेंट को बात कर लेगा, बात कर ले जो जैसे मिलते ही, अगर मंत्री सर को नहीं मिलता है तो हम OSD सर को मिलने के लिए कोशिश करूंगी, यानी कि सेक्रेटरी सर को फिर से मिलने के लिए कोशिश करूंगी, करके हमने यस या नो, क्योंकि हमको हमारा टाइम रहते ही, अगर काम गवर्नमेंट का तरफ से सर्च ऑपरेशन अगर करना है तो टाइम रहते ही हमको सब कुछ करना पड़ेगा। आप सबको पता है ये एक सीजनल ऑपरेशन है, फिर लास्ट टाइम भी हम लोग ने ऐसे रहते रहते तो हम लोग बीच में ये गैपिंग होने के कारण से हम लोग लास्ट सर्च ऑपरेशन फेल हुआ है। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, कि इसलिए हम गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता है कि आप समय रहते ही यस नो हमको अपडेट पैनल दे दीजिए। वही था आज। हाँ, आप लोग को जो लास्ट मिलने के बाद हमने 27 मार्च को हमने लास्ट पैनल अपडेट के लिए एक रिटर्न लिख के लेके गया था, आप आपको दिखा सकते हैं। हमने फाइनल अपडेट के लिए एक रिटर्न लेके गया है, कि क्योंकि हमने अभी रिटर्न ये 3 टाइम्स हो गया, हम पास हम लोग रेजुलेशन जो होने के बाद, रिजॉल्व होने के बाद हमने 1 मंथ के अंदर अपडेट लेना था। हमने सैनिक वास डॉक के माध्यम से अपडेट लेने के लिए कोशिश की तो वहाँ फिर कुछ अपडेट नहीं मिला, तो हमने 23 दिसंबर को यहाँ पे आई थी, सेक्रेटरी सर को मिली थी, तो सेक्रेटरी सर ने हमें ये दिया कि तो एक रिटर्न देने के लिए बोला है, आगे का फर्दर प्रोसेस के लिए। हमने एक रिमाइंडर लेटर दिया 26 को, ऑन व्हाट्सएप में ये किया या ऑन डाक में भेजा, फिर उनसे भी फिर कुछ अपडेट नहीं मिला। फिर हमने 17 जनवरी को फिर से एक रिमाइंडर लेटर, आगे के लिए क्या करने से ठीक रहेगा और हम हमारा ओर से गवर्नमेंट को क्या मदद कर सकता है, हमारा इस सुझाव से गवर्नमेंट को क्या प्रोग्रेस हो सकता है, ऐसे हम एक ऐसे राय दिया तो इसको भी कुछ रिप्लाई नहीं मिला। फिर नहीं मिलने के कारण हमने पैनल अपडेट के लिए 27 मार्च को यहाँ पे सेक्रेटरी में गया था। तो इसको इसमें हम लोग का जो माइनट ऑफ मीटिंग जो बेता था, उसमें जितने भी मेंबर थे इसको सबको हमने कॉपी दिया गया, रिमाइंडर ये कॉपी को दिया गया है, गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन अचिन यादव दुकुम सर को भी, और हमारा दमपुरी जो MLA सर को भी, और हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी को भी, और हमारा सासी का चेयरमैन को भी, और सेब अरुणाचल सेब इंडिजिनियस का तरफ से भी हम लोग का साथ में थे उसको भी दिए, और आपसू हमारा तागिन स्टूडेंट यूनियन, तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और सेक्रेटरी सर, डायरेक्टर सर, और कंसर्न मिनिस्टर लोग, और PPS CM को भी हमने कॉफी दिया है। अगर अभी तक हमको पैनल अपडेट 31 मार्च तक हमको पैनल अपडेट दे दीजिए बोल के हमने यहाँ पे क्लियरली लिखा है। यहाँ पे हमने बीच में कितना कम्युनिकेशन करने के लिए कोशिश किया, इस उन्हें भी पूरा यहाँ पे मेंशन किया है। इसलिए सरकार का ओर से फिर इस का रिप्लाई लेने के लिए हम आज गया था। फिर वही सेम आप लोगों जो आगे में बताया है, जो एक तो रीएम्बर्समेंट का अप्रूव हो गया बोल के पता चला, और दूसरा तागिर सोरेन का तो आप सबको पता है पहले से अप्रूव होके बैठा है, लेकिन तागिर सोरेन को अभी हम एक्टिविटी नहीं करा पा रहा है क्योंकि ऐसे है। हाँ, ये PLA इशू, इसलिए हमारा ये हमने ये इम्पोर्टेंट 3 डिमांड्स के अंदर में इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट क्लोजेस, सब क्लोजेस इसलिए है कि नंबर 1 डिमांड में 12 क्लोजेस है, नंबर 2 में सिर्फ PLA का इशू है, PLA का इशू है। इसमें हम ऐसा था कि हमने 23 सितंबर को लास्ट 2022
जो हमने ये को सीएम सर का ऑफिस में, सीएम का चैम्बर में, हमारा परिवार और हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी पूरा मिलने गया था, सीएम सर हमें मिला था, उसी समय हमने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है, वो कॉपी मेरा पास में है, तो हमने सबमिट किया है कि चाइना पार्क को आप लोग उधर से कंफर्मेशन कवर कर दीजिए बोल के हमने सबमिट किया है। तो सबमिट करने के बाद अभी तक वहाँ से ना कंसर्न डिपार्टमेंट से या सरकार की ओर से कुछ भी अपडेट कवर नहीं है, वो सीधा सीधी बात है, ओ कोई ओ चाइना काउंटर पार्ट का रिप्लाई अभी तक नहीं है। तो इसको अभी हम इसलिए रुक रहे हैं कि गवर्नमेंट का कुछ टेक्निकल इशू होता है क्या? अगर गवर्नमेंट का टेक्निकल इशू है भी तो हमें बताना चाहिए कि ऐसे इशू है, अगर नहीं है तो नहीं है, वहाँ पे हम कंफर्मेशन किया है बोल के हमको रिटर्न में दिया जाए, वही इशू वो बात आज हमने सेक्रेटरी सर का साथ में पास चर्चा उनको ही किया, इसके सब ऊपर में बहस किया आज पास, तो सेक्रेटरी सर का तरफ से भी अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं दिया है। तो हम भी अभी ये नहीं बोल सकता है कि वहाँ पे अभी हम पहुँच के नहीं देखा एग्जैक्टली क्या हुआ, अगर वहाँ पे पहुँच के हमको कुछ क्लू मिल जाता है तो अच्छा बात है, तो हमारे भले हमारा भाई कुछ भी हो गया हो लेकिन कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो ठीक है, हमें भी सेटिस्फाइड होगा, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं मिला तो हम दिल्ली भी जाना होगा तो जाना होगा, कहीं भी जाना होगा तो हमको जाना पड़ेगा, ऐसा है पीएलए इशू में। आज भी पीएलए इशू को सबसे पहले पास उसको ही चर्चा किया है। और दूसरा बात, एक इशू और सिर्फ नहीं है, इशू भी सिर्फ नहीं है हमारा, इस कमिंग डीसी को हमने डिमांड नंबर 3 में 2 में हमने ये करने के लिए इनको इंक्वायरी कमिटी बिता के हमारा साथ किस लिए भेदभाव हुआ है, उसको हमें रीजन मांगा था तो वो भी आज तक नहीं हुआ, क्यों इसको क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, गवर्नमेंट के पास जवाब गवर्नमेंट का पास है, मेरा पास नहीं, आप लोग गवर्नमेंट को पूछने से ठीक रहेगा, हमको अभी ऐसा लगता है। तो डीसी सर को अभी इंक्वायरी कमिटी हमको रिपोर्ट देने से भी हम अभी इसको हमको सही नहीं लगेगा, क्यों बोलने से डीसी तो बहुत पहले निकल चुका है डीसी, हम लोग ये इंक्वायरी हम लोग ये कंप्लेन सबमिट करने के बाद 1 महीना ज़्यादा बेहतर है सेपा में, उसी समय इंक्वायरी ले सकता था, और सरकार का तरफ से भी हमको 1 महीना अंदर में रिपोर्ट देगा बोल के इधर क्लियरली लिखा है, लिख के रखा है, तो एक रिटिन में है लेकिन अभी तक नहीं दिया, तो अभी तो हमको नहीं लगता है, सीधा सीधी बात है, डीसी तो वो इतना एक्टिव प्रो डीसी था, अभी वो अर्थ में भी नहीं होगा, स्पेस में भी कहीं बैठ गया होगा, यानी कि वो प्रेसिडेंट भी बन गया, प्राइम मिनिस्टर भी बन गया होगा, उसको अभी इंक्वायरी करना मुश्किल है, हमको ऐसा लग रहा है। हमने ऐसे तो वर्बली तो हमने लगभग सेक्रेटरी में तो लगभग ज़्यादा बोलने से शो उसे तो नहीं होगा, हमको लगभग 30-40 बार तो गया होगा वहाँ पे सेक्रेटरी में जाने से, अब गाड़ी में डायरेक्ट घुसने से वो बात अलग है, लेकिन जो भी हम पैदल घुसने से उधर एंट्री किया होता है और रिकॉर्ड भी होगा शायद, तो एटलीस्ट रिकॉर्ड को सिग्नेचर तो होगा या मेरा फ़ोन नंबर तो होगा, हमने लगभग 20-30-25-30 बार तो घुस चुका है, उसमें से हमने जनवरी का 10 जनवरी से 17 जनवरी तक सेक्रेटरी में गया है, इस बीच में संडे सैटरडे एक बार गैपिंग होगा, उसमें ये पेपर को सबमिट करने 17 में जो हम लेटर सबमिट किया था सेक्रेटरी सर को मिलने के लिए, वो लेटर सबमिट करने के लिए हमको 7 डेज वहाँ पर गया है, तो शायद सेक्रेटरी सर आउट ऑफ स्टेशन में था होगा या ऑफिस में नहीं था होगा, नहीं मिला है, तो हमने लगभग अपना तरफ से ऐसे बिना रिटर्न से हम वर्बली फिजिकली तो लगभग 20-25 बार गया है, तो उससे ज़्यादा गया है, लेकिन रिटर्न हम 3 टाइम दिया है कि 26 दिसंबर को फर्स्ट रिमाइंडर, 17 जनवरी को सेकेंड रिमाइंडर, 27 मार्च को पैनल अपडेट के लिए हमने जमा किया है, लेटर सबमिट किया है, उस लेटर में हमने सब कुछ लिखा है जो हम सोचा है हमसे जो हो पाया उसको भी बताया, और गवर्नमेंट से क्या जो हो सकता है, टाइम सीजन कैसे करके जा रहा है वो सब भी पूरा मेंशन किया है, उसमें कोई कंफ्यूज करने की जगह नहीं, आप लोग लेटर बाद में मीट आप लोग लेके भी देख सकते हैं।